नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आए एक सर्वे के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इंडिया टुडे और एक्सिस पोल द्वारा करवाए गए सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो विधानसभा की कुल 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 170 से 183 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की, तो इन चुनावों में बीएसपी को 115 से 124 सीटें मिलने की उम्मीद है और इसी के साथ बीएसपी इन चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी यानी कि सपा 94 से 103 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रहेगी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 25 दिन की किसान यात्रा और शीला दीक्षित को यूपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उतारने का फायदा भी कांग्रेस को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक इन चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 8 से 12 सीटों में ही संतोष करना पड़ेगा। वहीं अगर वोट पर्सन के हिसाब से बात करें तो बीजेपी को 31%, बीएसपी 28%, सपा 25%, कांग्रेस को सिर्फ 6% और अन्य के हिस्से में 10% सीटें आएंगी। वहीं अगर मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की बात करें तो 31% लोगों ने मायावती को मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद माना है। वहीं 27% लोगों के लिए अखिलेश यादव पहली पसंद है। 14% लोगों को योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और सिर्फ 1% लोग मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो सिर्फ 2% लोग प्रियंका गांधी को बतौर मुख्यमंत्री और 1% लोगों की मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद शीला दीक्षित है। ये तो था उत्तर प्रदेश चुनावों का सर्वे, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये सर्वे कितना सटीक बैठता है और इन चुनावों में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।